हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये ट्रेडिशनल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ स्मोकी आई मेकअप लुक, बोल्ड ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक। इस लुक को आप कोई भी फंक्शन या कोई भी ट्रेडिशनल लुक के तरह कैरी कर सकते हो, कोई भी फंक्शन वगैरह में कैरी कर सकते हो इस लुक को। सो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निविया की मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं हर बार मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मॉइस्चराइज़र से हमारा फेस जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। आप चाहे तो कौन सा ब्रांड का प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल को ही एज अ प्राइमर की तरह यूज़ कर रही हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे की फाउंडेशन यूज़ की हूँ, और इसको सबसे पहले मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट लगा के एक ब्रश के मदद से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। ये भी बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज तो नहीं बोल सकती मैं, बट अच्छा खासा कवरेज दे देता है हमारे फेस के लिए। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर। इसको मैं मेरे जॉ लाइन और लिप एरिया पे और अंडर आई और फोरहेड पे थोड़ा सा यूज़ की हूँ, इस कंसीलर को लगाई हूँ। जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइट दिखाने की ज़रूरत है, हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पे हमें डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, हमें वहीं वहीं पे कंसीलर को लगा लेना है। एंड फिर उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अपने आईलिड पे कंसीलर को नहीं लगाई हूँ, मैंने जो भी कंसीलर अप्लाई किया था उसी से ही मैं मेरे आईलिड को भी कवर कर ले रही हूँ कंसीलर से। एंड फिर कंसीलर को लगाने के बाद लूज पाउडर से कंसीलर को अच्छे से ब्लॉक कर लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि कंसीलर जो है हमारा वो बिल्कुल भी पैची ना लगे और परफेक्टली सेट हो जाए। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYWay का कॉन्टोर स्टिक। कॉन्टोर स्टिक को मैं चीक्स, जॉ लाइन, नोज़ और फॉरहेड पे लगा ले रही हूँ, जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ा सा शेप देने की ज़रूरत है। जैसे कि चीक्स, जिसका चीक्स ब्रॉड है उसको थोड़ा सा शेप करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोग कॉन्टोरिंग करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड फिर उसके बाद मैं जहाँ जहाँ पे कॉन्टोर को लगाई थी वहाँ वहाँ पे ब्रश के मदद से कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड जो नोज़ पे मैंने अप्लाई किया था उसको मैं मेरे फिंगर के मदद से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल इन कर ले रही हूँ एक ब्रश के मदद से, आईब्रो फिलर से अच्छे से। आईब्रोज़ जहाँ जहाँ पे गैप से आईब्रोज़ में, वहाँ वहाँ पे कवर कर लेना है आईब्रोज़ को, जैसे कि आप देख रहे हो। बिल्कुल हल्का सा हमें फिल करना है आईब्रोज़ को, ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे हमारा आईब्रोज़। और फिर उसके बाद कंसीलर के मदद से थोड़ा सा आईब्रोज़ को शार्प कर लेना है। आप ये स्टेप आप फॉलो कर भी सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से कंसीलर को मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ, और फिर दोबारा से मैं लूज पाउडर के मदद से कंसीलर को सेट कर ले रही हूँ आईलिड पे। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, और उसमें से एक पीच शेड को लेके मैं ब्लेंडिंग ब्रश के मदद से अच्छे से आईलिड पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत ही हल्का लगाना है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नेचुरल आई मेकअप कर रही हूँ। और फिर उसके बाद एक गोल्डन शिमरी आई शेडो को लेके फिंगर के मदद से आईलिड पे लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो आई शेडो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ब्लैक स्मोकी आई कर रहे हैं, तो इस पे आप आई शेडो लगा भी सकते हो, नहीं तो आई शेडो को स्किप भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे का जेल आईलाइनर लिया है, और उसको एक ब्रश के मदद से सबसे पहले आईलिड पे हल्का सा लगाया, एंड फिर वाटर लाइन पे भी मैंने एट द सेम टाइम लगा लिया है।
और फिर धीरे धीरे से हमें जो काजल को ना थोड़ा धीरे धीरे से स्मच करते जाना है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने और उसके मदद से मैं काजल को अच्छे से स्मच करते जा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, ताकि हम लोग यहाँ पे स्मोकी लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें काजल को स्मच कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं काजल को ब्लैक आई शेडो और ब्राउन आई शेडो की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ काजल को। सो ऑफ कैमरा मैंने दूसरा इस पर भी काजल लगा लिया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आई लैश कलर लिया है और उसके मदद से मैं अपने लैशेस को कर्ल कर ले रही हूँ। अगर आपको लैशेस नहीं लगाना है तो आप आई लैशेस को मोस्टली आप कर्ल कर ले, इससे जो हमारा लैशेस है वो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा, इसको मैं अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन पे अच्छे से लगा ले रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। सो इसके बाद आपको लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप आई लैश को कर्ल करके मस्कारा प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एलिगल का लिपस्टिक लिया है और उसको सबसे पहले मैं अपने चीक्स पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा ब्लश के जैसा काम कर रहा है प्रॉपरली। समर के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे जो हमारा ब्लश है वो बिल्कुल भी स्मच नहीं होगा, अच्छे से एक ही जगह पर टिका रहेगा। एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लिया है और चीक्स नोज़ एरिया को मैं अच्छे से हाइलाइट कर ले रही हूँ। हाइलाइटर लगाने से हमारा मेकअप जो है वो ग्लोई दिखता है और हमारे मेकअप पे जान आ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो, ग्लोई बिल्कुल भी ग्लोई लग रहा है हमारा फेस। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेड लिप लाइनर लिया है और उसके मदद से मैं अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर ले रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद मैं मेरा वो ही वाला एलिगल का लाइट लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो जब हम लोग लिप लाइन कर लेते हैं एक डार्क लिपस्टिक से और फिर उसके बाद लाइट लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, उससे हमारा जो लिपस्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। सो अब इस तरीके से अपना जो भी लाइट लिपस्टिक है उसको अप्लाई करें। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वेलरी पहनी है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। सो इसी के साथ मेरा ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।